आज मैंने लेद का जो मशीन है उसका बिगिनर्स के लिए जो अभी मानते हैं कि हम लोग कैसे शुरू करेंगे, लेद मशीन के सामने हम लोग जाते हैं लेकिन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये हम लोग नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है और कैसे उनको चालू करेंगे और उसको कैसे ऑपरेट करना है तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो का अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा आपको वीडियो। लेद मशीन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको कैसे हम लोग चलाते हैं, तो पहले देखो वो जो हमारा मेन पॉइंट है पावर सप्लाई, पावर वहाँ से हम लोग लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा स्विच है तो ये टर्नओवर स्विच से हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स में घुमा सकते हैं। ऐसे करेंगे तो फॉरवर्ड घूमेंगे और ऐसे करेंगे तो रिवर्स घूमेंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स घूमने। और इसके बाद हमारा जो ये मेन पार्ट्स है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले ये जो बड़ा पार्ट्स है इसको हम लोग हेडस्टॉक बोलते हैं। हेडस्टॉक जो हमारा हेड की तरफ है, ये हमारा पूरा क्या है मेन प्राप पार्ट्स है। तो ये हमारा हेडस्टॉक है और हेडस्टॉक में बहुत सारे लीवर लगे हुए हैं। वो ये है न्यूट्रल है, ये फॉरवर्ड है और रिवर्स है। ये हमारा लीवर के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं और लो स्पीड हाई स्पीड, और ये भी बहुत सारा गियर लगे हुए है इनके अंदर। हम लोग गियर बॉक्स जो होता है ये उनके अंदर है भी है, और इनमें ऑयल भरा हुआ है। और ये देखिए ये है नॉर्टन गियर बॉक्स। ये नॉर्टन गियर बॉक्स से हम लोग जब लेड स्क्रू को कंट्रोल करते हैं थ्रेड कटिंग के लिए तब हम लोग इसको उपयोग करते हैं। और ये है हम लोग का लेड चाक, ये हमारा 3-जो चाक लगा हुआ है। इनमें हम लोग 4-जो चाक भी लगा सकते हैं, फेस प्लेट भी लगा सकते हैं, बहुत सारा चाक और जॉब होल्डिंग डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए जॉब को होल्डिंग किया हुआ है इनमें। और उनके बाद हम लोग का जो सेकेंड पार्ट्स है उनके बारे में जानेंगे। तो ये देखो सेकेंड पार्ट्स, ये जो एक बड़ा पार्ट्स दिख रहा है हम लोगों का, तो ये हेडस्टॉक के बाद ही ये कैरेज आता है। ये पूरा कैरेज बोलते हैं इनको पूरा से पूरा। तो इनके अंदर देखो क्या क्या पार्ट्स आता है। पहले ये नीचे वाला पार्ट्स है, ये है हमारा एप्रोन बॉक्स। इनमें बहुत सारा गियर का फंक्शन लगा रहता है, क्या है कि ये लेड स्क्रू के साथ जब कंट्रोल करते हैं इनके द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं। और उनके ऊपर ही है ये देखो एक एच के शेप में है, ये सैडल बोलते हैं। सैडल क्या करता है, जो लेड बेड है उनके साथ लगे रहता है। और उनके ऊपर ही हम लोगों का जो क्रॉस स्लाइड रहता है, ये है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड इसलिए बोलता है कि ये इनका मूवमेंट होता है क्रॉस, जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों का मूवमेंट रहता है। और इनके ऊपर है कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड स्लाइड। उनके ऊपर है हमारा टूल पोस्ट, ये टूल पोस्ट बहुत सारा होता है। ये है हमारा 4A टूल पोस्ट लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कैरेज का पार्ट्स। और उनके बाद हम लोग आता है जो थर्ड नंबर पार्ट्स, ये है हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या होता है, लेद का 3 नंबर मेजर पार्ट्स के अंदर पड़ता है। तो ये टेल स्टॉक हमारा जॉब होल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो लॉन्ग जॉब को होल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और उनके बाद हम लोग कटिंग टूल्स जैसे कि ड्रिलिंग रिमिंग ऐसा ऑपरेशन करने के लिए इनमें हमारा ड्रिल होल्ड करते हैं। और टैपर टर्निंग जब करते हैं, टैपर टर्निंग के लिए भी ये ऑफसेट मूड करने के लिए, ये जो बोल्ड दिख रहा है ये बोल्ड के ऑफसेट करके हम लोग टैपर टर्निंग भी करते हैं। और इनको लेद बेड का जो कभी भी पोजिशन पर हमारा फिट होता है। और ये जो व्हील दिख रहा है, ये व्हील के द्वारा हम लोग जो इनका जो सेंटर है लेद सेंटर को जो हमारा मैनेज करते हैं। तो इनके बाद है हमारा एक और एक बड़ा पार्ट्स, ये है लेद बेड दिख रहा है सबको। ये है लेद बेड, पूरा लेद बेड बोलते हैं इनको। और इनको बेड वेस बोलता है, बेड के ऊपर जिन वेस में हम लोग कैरेज और टेल स्टॉक को मूवमेंट करते हैं इनको बेड वेस बोलते हैं। बेड वेस बहुत सारा होता है, फ्लैट बेड वेस, कॉम्बिनेशन बेड वेस और वी बेड वेस। यहाँ पर वी बेड वेस भी है और फ्लैट बेड वेस भी है, ये कॉम्बिनेशन बेड वेस के अंदर आता है। इनके नीच में देखो, थोड़ा सा नीचे देखो, ये है लेड स्क्रू, ये एक्मी थ्रेड का बना होता है। और ये हमारा जो थ्रेड कटिंग करते हैं ऑटोमेटिक फिट देने के लिए हमारा ये लेड स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है कि ऑटो फिटिंग कैसे करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये रैक बने रहता है, रैक क्या करता है, जो कैरेज है उनको मूवमेंट के लिए हम लोग रैक का यूज़ करते हैं। और ये देखिए ये है ट्रे है, इनके अंदर हमारा जो कूलेंट रहता है, कूलेंट भरा रहता है और बहुत सारा जो चिप्स निकलते हैं चिप्स को हम लोग यहाँ पर रखता है। और ये नीचे देखो बेस रहता है, ये बेस फाउंडेशन बोल्ट के द्वारा हम लोग फिट करते हैं फ्लोर के साथ और इनको हम लोग फिक्स्ड करते हैं।
तो ये हो गया हमारा लेद का जो स्टार्टिंग कैसे करता है और कैसे ऑपरेट करता है, ये सिंपल सा टर्निंग, और भी बहुत सारा ऑपरेशन रहता है लेद के अंदर, तो हम लोग एक वीडियो में तो पूरा देश नहीं दिखा सकते, लेकिन छोटा छोटा वीडियो करके हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन है वो हम लोग दिखाएंगे। तो तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो का अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर कुछ सीखा और कुछ भी हम लोगों का बोलना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर